नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों हमें जबलपुर में, आपको पता ही है, पिछला ब्लॉग अगर आपने देखा है, अगर ब्लॉग नहीं देखा पिछला तो जा करके आई बटन में लिंक दे दूंगा तो वहां से देख लीजिएगा। तो दोस्तों मैं जबलपुर में हूं और आपको इस वीडियो में आपको मैं 3 गवर्नमेंट कॉलेज दिखाने वाला हूँ, जिसमें से पहला मॉडल साइंस और है एक महाकौशल और एक रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। वो तीनों कॉलेज बताऊंगा और ये कहाँ पे हैं ये भी आपको देखने को इस वीडियो में मिलेगा। अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला हुआ है और इंस्टाग्राम का आईडी डाला हुआ है, वहाँ जा करके आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी और अधिक जानकारी बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले कॉलेज की तरफ और मैं हूँ अभी मदन महल में, मदन महल एरिया में, अब निकलता हूँ वहाँ से। अभी पूरे रास्ते बताते जाऊँगा कहाँ से कहाँ आपको जाना है, तो इस वीडियो को थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन पूरा देखिएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन है, पूरी जानकारी इसमें, तो अंत तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, अब कछपुरा ब्रिज के नीचे पहुँच चुके हैं। इधर से कछपुरा ब्रिज हमें इस साइड से जाना है, अभी पड़ेगा अभी रानीताल, मेहता पेट्रोल पम्प और लेबर चौक। तो ये है लेबर चौक जो सामने आपको दिख रहा है, ये रानीताल का रास्ता है। आपको सबसे पहले मेन जंक्शन रेलवे स्टेशन की ओर जाना है, रेलवे स्टेशन के तरफ ही वो तीनों कॉलेज हैं, तो सबसे पहले चलते हैं। दोस्तों ये भाई आ गया है और यही भी पेट्रोल डलाएगा, फिर चलते हैं पेट्रोल डलाने के बाद। देखिए दोस्तों अब चल दिए हैं भाई के साथ, अब ये है हमारा, देखिए ऊपर ब्रिज बन रहा है, ये काम चालू है अभी, बना नहीं है। मज़ा आएगा चलने में, लेकिन आपको भी मदन महल वाला किसी दिन दिखाएंगे। एक चौराहा जो बन रहा है ऊपर बहुत बड़ा है वो अंडर ब्रिज, तो यहाँ ये देखिए अब पहुँच गए हम रानीताल पे, यहाँ में भी बड़ा बनेगा शायद अंडर ब्रिज, देखिए काम चालू। तो ये देखिए समदरिया मॉल साइड से जा रहे हैं, ये अपना समदरिया मॉल सामने जो दिख रहा है ये इधर आ गए। अब घंटाघर सीधे वाले रास्ते से घंटाघर निकलेंगे, इसके बाद मेन स्टेशन जंक्शन रेलवे हाई कोर्ट होते हुए कलेक्ट्रेट के एकदम सीधे वाले रास्ते से अपन निकल जाएंगे। ये देखिए इधर है जयंती कॉम्प्लेक्स। इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन जो जहाँ पे है बोलते जाएंगे, तो आप लोग अगर कभी आते हैं तो आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा अगर मेरा वीडियो आप देख लेंगे तो। ये देखिए दोस्तों ये है घंटाघर, टाइम भी सही सही बताता है, गलत बताता है, गलत बताता है, टाइम गलत है, लेकिन ये है घंटाघर। अब यहाँ आप पहुँच गए हैं हम हाई कोर्ट, ये पुलिस के अंदर कच्छ पुलिस थाना है। ये जिला सत्र एवं न्यायालय है, सबसे बड़ा बना है, पहला गेट है ये, ध्यान दे लीजिएगा सबसे बड़ा है। और अंदर अलाउड नहीं है, आपको कभी अंदर भी दिखाते, कैमरा वहाँ अलाउड ही नहीं है। ये है एक तीसरा गेट यहाँ से, और उस साइड जस्ट सामने से यहीं से 3-4 गेट है। अब सोचो कि इतना बड़ा है तो वकील कितने होंगे, केस कितने आते होंगे। ये हाई कोर्ट इतना बड़ा है भाई, पूरे एरिया में है। इधर ये साइड है कलेक्ट्रेट, देखो कितना भयानक जाम लगता है, बहुत भयानक जाम लगता है यहाँ, देखना भाई। ये इधर दोस्तों है कलेक्ट्रेट सामने जस्ट, और इधर अपन पहुँच गए हैं। ये तो हाई कोर्ट पूरा है, पूरे एरिया में हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है। ये देखिए गेट नंबर 1 ये है, पुराने बिल्डिंग का है, ये गेट नंबर 9 हो गया। और अब हम पहुंच गए हैं मेन रेलवे स्टेशन जंक्शन, जहां आपको बताया कि इसी रास्ते से अपन को चलना है मॉडल साइंस कॉलेज। तो भाई सीधे अंदर लेके ही चल रहा है कि आप लोगों को दिखा देते हैं जंक्शन, बहुत ही अपडेट हो चुका है। ये है देखिए मेन रेलवे स्टेशन जंक्शन, कभी इसका भी ब्लॉग पूरी तरह से बना के दूंगा कि किस किस प्रकार से क्या क्या फैसिलिटी है, लेकिन देखिए काफ़ी सुंदर बन गया है। ये देखिए खतरनाक
फैसिलिटी की बात करें तो एक नंबर की अब साफ सफाई हो गई। नहीं, पहले देखा जाए तो साफ सफाई एक भी नहीं था, लेकिन इस टाइम पे साफ सफाई की बात करें बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये सब ये अंडर ब्रिज है दोस्तों, इसको अंधेरी पुल कहते हैं। यहीं से अब सीधे वाले रास्ते से आप जाएंगे तो सिविल लाइन पड़ेगा, एयरपोर्ट रोड है, एयरपोर्ट रोड है। इधर ही से डुमना हवाई अड्डा जिसे कहते हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ से जाने के लिए रास्ता है। अगर आप यहाँ से उतरते हैं तो ये सीधे वाले रास्ते से आप जाएंगे तो पड़ेगा। अभी एक यहीं पे चौराहा है, उस चौराहे का नाम क्या नाम है चौराहे का? इलाहाबाद चौक नाम है। हाँ दोस्तों, इलाहाबाद चौक, ये देखिए ये इलाहाबाद चौक है। साफ सफाई कहें तो अब जबलपुर में कुछ सही से, अच्छा इलाहाबाद हॉस्पिटल के चक्कर में नाम रखा गया इलाहाबाद चौक। ये देखिए दोस्तों, यहीं से अपन सीधा निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे तीनों कॉलेज, मॉडल साइंस, महाकौशल और RDVV यूनिवर्सिटी। और यहाँ तो कई महाविद्यालय हैं, एक जैसे देखिए तो अर्थ वाणिज्य महाविद्यालय, ये सामने वाले कॉलेज का है नाम है। और इसे अब सिविल लाइन कहते हैं, ये वाले एरिया को पूरा सिविल लाइन बोलते हैं, आप देख लीजिए। लेकिन जबलपुर में मुझे लगता है इस जगह पे साफ सफाई एक नंबर का रहता है सिविल लाइन में, ये सिविल लाइन का थाना। दोस्तों सिविल लाइन में एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है साईं मंदिर। ये देखिए साईं मंदिर, ये सामने जो दिख रहा है वो साईं मंदिर है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है जबलपुर में। अब ये वाले सीधे वाले रास्ते से जाएंगे, पहले चलते हैं अभी दोस्तों मॉडल साइंस कॉलेज। हम पहुंच चुके हैं महाकौशल कॉलेज, ये देखिए, और इसी के जस्ट बगल पे है मॉडल साइंस कॉलेज। लेकिन सबसे पहले चलेंगे अभी मॉडल साइंस कॉलेज, क्योंकि अभी हमें TC कटाना है तो फॉर्म भर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद चलेंगे हम। फिर महाकौशल को भी दिखाई दिए, अब चलेंगे फिर RDVV भी, कुछ भाई का काम है वहाँ भी दिखा देंगे। ये गाड़ी पार्किंग के लिए व्यवस्था किया गया है, देखिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है। पर फाइनली दोस्तों देखिए मॉडल साइंस कॉलेज में पहुँच गए हैं अंश ब्लॉगर के साथ, इसका भी ब्लॉग आएगा तो आप देख लेना। अभी चलते हैं अंदर, TC कटाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं फॉर्म में क्या क्या लगता है। ये देखिए मॉडल साइंस कॉलेज, ये से एंट्री है, ये ग्राउंड है मॉडल साइंस का और ये है कॉलेज। ये कॉलेज देखिए मॉडल साइंस कॉलेज का, ये क्लास है, हम भी इसी में पढ़े हैं, इसमें हमारा लगता था इंग्लिश का क्लास, यही वाले कक्षा में इंग्लिश का क्लास लगता था। ये देखिए हम अब TC के लिए आ गए हैं, TC कटाएंगे अपना और दूसरे कॉलेज में जाएंगे, ये कॉलेज में नहीं पढ़ना है। यहाँ ये कॉलेज साफ सफाई कहे तो कुछ नहीं। पंकज इंतजार कर रहा है भाई, मैम बोली है रुक जाओ। थोड़ी थोड़ी काम हो गया, आधा अधूरा काम हुआ है, अभी बहुत काम बाकी है। कितने डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा पता ही नहीं। ये देखिए कॉलेज के ऊपर से कुछ नीचे का दृश्य, साफ सफाई एक है। पढ़ाई के मामले में भी ज्यादा नहीं, हम पढ़ चुके हैं। ऐसा मत बोलो भाई, ऑटोनॉमस हो गई तो क्या हुआ, है तो यूनिवर्सिटी। अभी जाना है अपन को कहाँ, बॉटनी डिपार्टमेंट सामने ही है, सामने फिजिक्स है बाबू, फिजिक्स बॉटनी ऊपर। दोस्तों अब निकल पड़ रहे हैं हम RDVV के लिए जस्ट मॉडल साइंस कॉलेज से। जैसे ही निकलेंगे एकदम सीधे वाले रास्ते से, इस रास्ते को नहीं छोड़िएगा, आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे कहाँ, RDVV।
और ये भाई का वहीं पढ़ता है, उसके बारे में अभी इससे पूछेंगे कि कैसा पढ़ाई लिखाई होता है या नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं, आरडी भी पहुँचे, आपसे भी मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों देखिए आगे ही जस्ट हम पहुंच चुके हैं आरडीबीबी यूनिवर्सिटी, जो कि काफ़ी बड़ा यूनिवर्सिटी है जबलपुर का, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी। हाँ शायद यूनिवर्सिटी ये देखिए रानी दुर्गावती ये। तो डायरेक्ट अभी ये अपने डिपार्टमेंट की तरफ चल रहा है। देखिए दोस्तों बहुत बड़ा कॉलेज है क्योंकि इसके अंदर आ गए हैं। देखिए अभी हमें गाड़ी से घूमना पड़ रहा है कॉलेज, ये कौशल विभाग ये होगा शायद, अभी कौशल विभाग डिपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। ये है दोस्तों आपका यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर डिपार्टमेंट, क्योंकि हमें जाना है कौशल विकास डिपार्टमेंट, आगे बताया सर ने। अब आगे वाली गेट से एंट्री करते हैं, देखते हैं कौन सा है। ये रहा अपना कौशल विकास डिपार्टमेंट, छाया में लगाओ अरे आराम से लगे। चलिए दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आरडीबीबी यूनिवर्सिटी। देखिए ये है इधर गाड़ी भी पढ़ के, और बात करते हैं तो इधर ये है कॉलेज, ये हंस दादा के साथ आए हैं। ये कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है, और अपन आए हैं कुछ काम से ही इस हंस के साथ, तो आपको कॉलेज भी दिखा देंगे। और ये देखिए ये पढ़ता है यही, तो इसके बारे में भी बताएंगे। बताओ पढ़ाई लिखाई कैसा चलता है? जैसा भी ठीक है, ये यूनिवर्सिटी नाम मात्र की है, नाम मात्र की है, साफ सफाई तो ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि देख रहे हो आप वीडियो में देख ही लेना। तो यहीं से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह, यहाँ कुछ कार्यक्रम चल रहा है अभी, आज राजशेखर समारोह चल रहा है, काफी बड़े बड़े हमारे यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जो हैं कपिल सर सामने बैठे हैं। आपको थोड़ी जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये सॉरी ये जो बीच के आपको दिख रहे हैं ये हैं इस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष। दोस्तों आपने देखा ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ये मेन बिल्डिंग है, यहाँ सारी नृत्य कलाएँ जो होती है वो होती हैं। और ये एक रखा हुआ है तोप, काफ़ी पुरानी मशीन लग रही है। अब चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और आपको सारे डिपार्टमेंट बताते हैं और दिखाते हैं कौन सा डिपार्टमेंट कितना साफ स्वच्छ है। यहाँ पे कंप्यूटर है दोस्तों, यूनिवर्सिटी में फोटोकॉपी का काम होता है, वैसे यूनिवर्सिटी के बाहर एमपी ऑनलाइन कई सारे हैं। और सामने है यूनिवर्सिटी का बैंक, यहाँ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे काम होते हैं। आपको इस एडमिशन के टाइम पे फीस पे करनी है और स्कॉलरशिप नहीं है निकालने, नोटिस वगैरह सब कुछ यहाँ होता है। ये इंडियन बैंक है, यहाँ पे है बैंक, भाई लोग हैं हाई कर रहे हैं, ये सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। कॉलेज के अंदर मंदिर कौन सी भगवान, यहाँ दर्शन करो पेपर के टाइम में। वाह यार कितना सुंदर है, देखो आराम करने का जगह, ठंडा ठंडा कूल कूल मजा ही आ जाएगा। अच्छा हम घूम के वहीं आ गए क्या? फिर वहीं आ गए, खत्म हो गया। अच्छा सारे डिपार्टमेंट हो गए दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों आपको दिखा दिए हैं पूरा यूनिवर्सिटी, और एक मेरा वीडियो है जो कि इसमें कुछ छूट गया होगा, तो एक आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। अभी दोस्तों आपको बाकी है, अभी हम दिखाएंगे वहीं पे महाकौशल कॉलेज है, तो महाकौशल के अंदर तो अलाउड नहीं रहता शायद वीडियो बनाना, पेपर चल रहा है इस टाइम पे, तो हम सीधे गेट से ही आपको दिखा देंगे। तो चलिए चलते हैं, अब फिर से हमें जाना पड़ेगा मॉडल साइंस, क्योंकि अभी हम टीसी का फॉर्म जमा किए हैं, सर बोले हैं 4 बजे आना है, तो 4 बजे का वेट करते हैं, बहुत टाइम लगा, अभी भाई का काम है तो यही काम करवाते हैं, इसके बाद चलेंगे। तो अब आपको महाकौशल दिखाएंगे, इसके बाद टीसी लेंगे, शायद मिल जाएगा सर से पूछेंगे तो, नहीं तो फिर चले जाएंगे रूम, फिर कल आके देख लेंगे टीसी ले लेंगे। तो चलिए चलते हैं फाइनली अभी महाकौशल की तरफ। फाइनली दोस्तों अब हम टीसी कटा लिए, ये देखिए आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं अभी टीसी का हाल, और यहाँ से चलते हैं अब महाकौशल कॉलेज की तरफ थोड़ी, फिर चलेंगे रूम। ये देखिए अपना टीसी, अब इस कॉलेज को करते हैं बाय बाय। दोस्तों ये दिखाइए महाकौशल कॉलेज, ये यहाँ से महाकौशल कॉलेज, और इस प्रकार से कुछ कॉलेज
देखिए आप अंदर नहीं जा सकते, पेपर चल रहा है, फिर कभी आपको दिखाएंगे। और एक वीडियो डला हुआ है, लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए। ये जस्ट है ओम साइंस मॉडल साइंस कॉलेज के जस्ट बगल में। चलो देख लिए हैं, और एक वीडियो आपको बना के दे दिए हैं, आप देख लीजिए उस वीडियो में, उसके बारे में वहाँ पूरी जानकारी डली हुई है। अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। वीडियो करते